वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल. आई एम पूजा एंड आई एम इन जयपुर. वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ जयपुर फूड सीरीज. आई एम इन जयपुर फॉर 4 days एंड आई एम कवरिंग सम ऑफ द बेस्ट फूड स्पॉट्स इन जयपुर. वी आर ऑल्सो डूइंग अ बिट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड लॉट्स मोर. ये जो सीरीज है जयपुर की, इसमें मैं स्ट्रीट फूड तो कर रही हूँ, बट इसके ही साथ आई एम डूइंग अ मिक्स ऑफ सम रेस्टोरेंट्स एज वेल, ताकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और ऐसे बहुत गर्मी है एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू नो ईट स्ट्रीट फूड, यू कैन ट्राई दीज रेस्टोरेंट्स ऑल्सो. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन सच रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी पॉपुलर इन जयपुर एंड वी आर गोइंग टू हैव अवर लंच देयर. बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई मैजिक पिन ऐप. अगर आपको बहुत सारी सेविंग्स करनी है, देन यू गॉट अ डाउनलोड मैजिक Pin app because it's India's number one savings app. I am going to tell you more about it in the video ahead. As of now, I'm very hungry. Let's go to our first spot. We have now come to Thali and More, and here we are going to have delicious food. Let's go. We have now come to Thali and More. ये प्लेस को ना गूगल पे मोर देन 3000 रिव्यूज हैं गाइस, एंड दिस प्लेस इज़ फ्रीक्वेंटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन जयपुर. आई वाज एक्चुअली थिंकिंग मैं यहाँ पे क्या ऑर्डर करूँ. मैं बहुत कंफ्यूज थी. सबसे पहले मैं ऐसे सोच के आई थी कि मैं एक राजस्थानी थाली खाऊंगी, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो यू अ प्रॉपर ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली व्हेन आई विल बी गोइंग टू चौकीदानी. उसमें मैं आपको ढेर सारा राजस्थानी फूड दिखाऊंगी. ये जो प्लेस है, इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट एंड यहाँ का राजस्थानी फूड काफ़ी पॉपुलर है, बट आई विल बी ट्राइंग चाइनीज एंड चाट ओवर हियर सो दैट आई कैन टेल यू के बाकी आइटम्स कैसे हैं. तो आई हैव ऑर्डर्ड अ राज कचौरी फॉर माई सेल्फ एंड अ मंचूरियन प्लस फ्राइड नूडल्स काइंड ऑफ अ मिनी मील. सो द राज कचौरी इज़ हियर. इट्स ह्यूज. बहुत सारी इसमें बूंदी, पोमोग्रेनेट और दही डाला हुआ है, वो मुझे दिख रहा है. और फटाफट खा लेते हैं बिफोर द कचौरी गेट्स सॉगी. लुक एट दिस. काफ़ी टाइम हो गया मैंने राज कचौरी नहीं खाई है. सो कचौरी के अंदर काफ़ी सारी स्टफिंग होती है. कोई दाल डालते हैं, कोई आलू, फिर चटनीस होती हैं एंड यू मेक इट लाइक अ चाट प्रिपरेशन. इसको खोलते हैं, अंदर ढेर सारी दही डाली हुई है. लेट्स टेक सम ऑफ इट एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. वाओ. कचौरी की जो स्टफिंग है, उसमें हल्की सी दाल और प्याज है और थोड़ा थोड़ा पीस, बट इसमें जो चटनी डाली हुई है, आई जस्ट विश इसमें थोड़ी ज़्यादा और चटनी होती. दही इतनी ठंडी, इतनी फ्रेश दही, हल्की सी स्वीट है, लॉट्स ऑफ पोमोग्रेनेट, और इसमें खटास के लिए एक मसाला भी डाला हुआ है. उसकी वजह से इसे एक अच्छा खट्टा फ्लेवर आ रहा है. जैसे जैसे मैं खा रही हूँ, आई एम फिगरिंग आउट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इसमें काजू भी डाला हुआ है. अब आ मिनी मील इज़ हेयर और यहाँ पे हमको मिल गई है मंचूरियन विद ग्रेवी नूडल्स. आप राइस या नूडल्स में से चूज़ कर सकते हो. ये जो नूडल्स हैं वो काफ़ी ऐसे स्ट्रीट स्टाइल हैं. इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स भी डाले हुए हैं. आई कैन सी कैरेट, कैबेज एंड एक्चुअली इट्स शाइनिंग विद लॉट्स ऑफ ऑयल. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल है. बहुत सारा ऑयल यूज़ किया गया है, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स ऐसे क्रंची नहीं है, उनको काफ़ी कुक किया है. सो देयर इज कैप्सिकम, देयर इज अनियन, देयर इज कैरेट, कैबेज एंड लॉट्स ऑफ प्रोपोर्शन. एंड इसमें थोड़ी थोड़ी बर्न गार्लिक की भी टेस्ट आ रही है. द ओनली ड्रॉबैक आई थिंक ऑफ दिस नूडल्स इज इसमें ढेर सारा ऑयल है. लाइक एक टाइम के बाद वो बहुत हैवी हो जाता है. लेट्स टेक सम ऑफ दिस मंचूरियन विद ग्रेवी. जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है, बहुत ज़्यादा वाटरी है. इट्स एक्चुअली गोभी मंचूरियन. सिर्फ गोभी यूज़ की गई है. ग्रेवी में भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स डाले हुए हैं. जैसे हम मंचाओ सूप पीते हैं, वैसा वैसा टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा. लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, अनियन और कैबेज. अगेन ये एकदम ऐसा देसी चाइनीज़ है गाइज. एकदम मतलब इवन दो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, इसका टेस्ट एकदम ऐसा स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ आइटम जैसा है. नॉट द बेस्ट बट गुड. मुझे नूडल्स से ज़्यादा मंचूरियन अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे हैं. सो आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर हाउ मैजिक पिन इज इंडियाज नंबर वन सेविंग्स ऐप. नाउ आई विल प्रूव यू हाउ. आपने से मुझे बहुत लोग पूछते हो कि पूजा यू गो टू दीज रेस्टोरेंट्स, यू पे सो मच, ऐसे बहुत ऐसा खर्चा नहीं हो जाता है. एक्चुअली नो, आई टेल यू वाई. सो आपको तो पता है मैं बाहर कितना खाती रहती हूँ एंड मोस्टली व्हेन आई गो टू दीज रेस्टोरेंट्स मैं ये सब बिल्स कलेक्ट करती हूँ. नॉट जस्ट फूड बिल्स, इवन शॉपिंग बिल्स. एंड आई अपलोड दीज बिल्स ऑन द मैजिक पिन ऐप. बट उसे सेविंग्स कैसे होगी? व्हेनेवर यू अपलोड योर बिल्स ऑन द मैजिक पिन ऐप, आप
आपको मिलते हैं मैजिक पॉइंट्स एंड दीज मैजिक पॉइंट्स हैव सम वर्ड्स टू इट. वन मैजिक पॉइंट इक्वल्स टू 1 रुपी एंड यू कैन रिडीम दिस मैजिक पॉइंट्स टू बाय डिस्काउंटेड वाउचर्स ऑन सो मेनी ब्रांड्स एंड इन सो मेनी कैटेगरीज लाइक फूड, टेक, फार्मा, ब्यूटी एंड सो मेनी मोर. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं. तो बताओ, हुई ना असली सेविंग्स? अगर आप मैजिक पेन ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलती हैं 200 मैजिक पॉइंट्स. और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो विच इज़ पूजा जीजी, आपको मिलती है एडिशनल 200 पॉइंट्स, दैट इज़ 400 पॉइंट्स इन टोटल. बताओ, आधी सेविंग्स तो मैंने आपकी यहीं पे करवा दी. नाउ बिकॉज वी आर फैमिली एंड वी लव फूड, आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. यू कैन गेट 90% ऑफ ऑन योर फर्स्ट होम फूड डिलीवरी ऑर्डर बाई यूजिंग माई कोड. इज द सेम कोड बेसिकली, आपको 90% ऑफ भी मिल जाता है चेकआउट के टाइम पे. दैट इज ऑलमोस्ट फ्री गाइज. ये लो, आपकी भी ट्रीट हो गई और आपकी सेविंग्स भी हो गई. एंड यू कैन चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ ब्रांड्स लाइक CCD, मैकडोनल्ड्स, बेरूज, सो मेनी वाओ मोमोज, बहुत सारी ब्रांड्स है. आप थक जाओगे बट लिस्ट खत्म नहीं होगी. सो डाउनलोड द ऐप नाउ, एंजॉय करो और बड़ी सेविंग्स करो. डिलिशियस लंच, अभी मैं आ गई हूँ लस्सी वाला में. ये भी सी स्कीम MI रोड पर आता है और यहाँ पे मैंने ले लिए हाफ ग्लास लस्सी. ये जो शॉप है लस्सी वाला, ये 70+ years ओल्ड है. इट वॉज सेटअप इन 1944 और यहाँ पे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन, अंबानी, ऑल ऑफ देम हैव कम हियर और यहाँ के लस्सी की बहुत तारीफ की है. तो यहाँ पे आपको 2 sizes मिलती है. दिस इज़ हाफ साइज़ और आपको एक ऐसा फुल साइज़ भी मिलता है. ऊपर आप देखिए, इन्होंने डाली है मलाई और भाई ये मलाई की काफ़ी थिक लेयर है और नीचे लस्सी है. लस्सी की भी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक लग रही है. स्वीट, इट्स थिक एंड इट्स सो क्रीमी, इट्स चर्न सो वेल. इतना अच्छे तरीके से चर्न किया है इसको. ऊपर से तो इन्होंने मलाई डाली ही है बट इवन वाइल हैविंग इट, इसमें से थोड़ी थोड़ी मलाई आ ही रही है. यम्मी. द मलाई इज ऑसम, फ्रेश इन क्वालिटी. Are going to Jaipur's one of the most popular tourist attractions called Chokhi Dani. It's actually a resort jo Rajasthani village theme par based hai, but it's not just a resort or a restaurant. अंदर आपको एक्चुअली जो राजस्थानी कल्चर हेरिटेज होता है वो आप पूरा सोक इन कर सकते हो. I think we are the first people to enter. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोग्राम होता है वो 5:30 से स्टार्ट होता है एंड डिनर स्टार्ट्स एट 6 PM. इट्स लाइक अ प्रॉपर ऑथेंटिक राजस्थानी डिनर. नाउ लेट्स गो एंड टेक द टिकट. सो 800 rupees का टिकट कॉस्ट होता है जिसमें प्रोग्राम और डिनर इंक्लूडेड होता है. लेट्स बाय द टिकट फर्स्ट. उसके अलावा इफ़ यू हैव टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज़ या आपको अलग से कुछ खाना है तो यहाँ पे उसका कॉस्ट लिखा हुआ है. वी आर एक्चुअली द फर्स्ट वंस टू अराइव हियर. तो ये पूरा खाली है. थोड़ा आपको मैं टूर दे देती हूँ यहाँ का. लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू हियर. वी आर नाउ गोइंग टू हैव द वेलकम ड्रिंक विच इज जलजीरा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. मसाला बहुत सारा डाला हुआ है, एकदम रिफ्रेशिंग. ओके, आपको आई डोंट नो ये जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं या नहीं, बट ये एक सेक्शन है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं बट वी डोंट नो हाउ टू गेट देयर. ओह गॉड, बाय द वे दिस प्रॉपर्टी इज़ ह्यूज. इट्स स्प्रेड अक्रॉस 10 acres ऑफ लैंड. यहाँ पे ये टाइम पे यूजुअली इतने लोग नहीं होते हैं. एवरीवन कम्स आफ्टर 5:30 क्योंकि तभी सारे शोज शुरू होते हैं. ओह माय गॉड, आई रियली नीड टू फाइंड दिस एनिमल, वेयर इज इट. ओके, आई जस्ट फिगर्ड आउट कि यहाँ पे जो भी 28 स्टेट्स हैं उनके रिलेटेड देयर इज़ समथिंग. सो उनके कल्चरल, ओके, ये साउंड प्ले हो रहा है फॉर श्योर. ये कोई रियल एनिमल्स नहीं है, यहाँ पे साउंड प्ले हो रहा है ऑफ दीज एनिमल्स. एवरी स्टेट के रिलेटेड देयर इज समथिंग्स. यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, दिस वन इज ऑफ राजस्थान. यहाँ पे आई थिंक महाराष्ट्र लवनी. ओके,
many things are there yaar yahan pe. Watching the dance show, it's now time to have some pani puri. 10 rupees mein aapko 5 pieces milte hain. Let's go and have. Ekdam mast hai, khatta meetha. Time to have some bhel puri with that traditional music going in the background. What a vibe here. Jab tak start nahi hua tha ekdam aisa sab shant shant, jab se start hua it has become so lively. This bhel puri is for 25 rupees. Yes, very crunchy. Sirf khatti chutney dali hui hai zyada. जुबान से बंदूक चलाएंगे तो अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए. थोड़ा जल्दी आ गए हैं क्योंकि लाइट्स काफ़ी अच्छी थी. तो यहाँ पर आ गई हमारी चटनी, केर सांगरी का अचार और चना. डिनर करने के लिए थोड़ा सा जल्दी है, 6:30 हुए हैं, बट लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, सो आई वॉन्ट टू शूट इट राइट नाउ. आई एम गोइंग टू हैव अ ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली एट चौकीदानी एंड आई एम गोइंग टू शो यू एवरी थिंग दैट यू गेट ओवर हियर. ये है लहसुन की चटनी विच इज़ गार्लिक चटनी. यह है मिर्ची, वहाँ पर चटनी. अगर आप यहाँ पर 8 बजे के बाद आओगे तो यह ऐसा काफ़ी फुल रहता है, बट वी आर द फर्स्ट वंस टू कम ओवर हियर. आप यहाँ का इंटीरियर भी देखेंगे, ऐसा काफ़ी ट्रेडिशनल कल्चरल, पूरा ऐसे राजस्थानी थीम बेस्ड है. इट विल एक्चुअली लुक लाइक यू आर इन अ विलेज एंड यू आर हैविंग योर डिनर. यहाँ पे आ गया डिलिशियस चूरमा. ये है बेसन की कड़ी और ये दाल. बाटी को दाल के साथ खाओ. यहाँ पे आ गई हमारी बाटी जो हम दाल के साथ खाएंगे. सो हियर इज़ अवर थाली. और भी ऐसे आइटम्स आएंगे जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट आई कैन नॉट रेजिस्ट दिस. आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग दिस नाउ. सबसे पहले ये जो बाटी है इसको मैं दाल में डाल के खाने वाली हूँ. दीज बाटीज आर सोक्ड इन घी. I'm going to put these in dal. I just had the gatta kadi which is made in besan, so nice. Yahan pe bahut sari dishes mein buttermilk aur dahi use kiya jata hai banane ke liye. This is delicious. Bajra ka dal bati is amazing. Churma has my heart, so good. Har dish mein actually itna sara ghee use kiya hua hai. Ye jo chutney hai isme dher sara adrak यूज़ किया गया है, तो इसमें हल्का सा वो कड़वाहट है. देन आई ऑल्सो हैड दिस बटरमिल्क. इसमें जीरा डाला हुआ है, ये हल्का सा स्वीट है, हल्का नहीं एक्चुअली काफ़ी स्वीट है और बहुत ज़्यादा वाटरी है. लेट अस नाउ टेक सम ऑफ दिस गेहूं की रोटी और मैं लेती हूँ ये भिंडी विच इज़ मेड इन दही. सो नाइसली कुक्ड. हल्का सा इसमें अनियन और बेसन भी यूज़ किया गया है. वेरी डिलिशियस. ये तो मैं इसे रूखा ही खा लूँ. और भी आ रहा है. ये है खिचड़ी बाजरे की, ये जस्ट अभी आई. और आप यहाँ पे मना भी करोगे ना कि मत दो फिर भी वो दे के ही जाएंगे. देन ये जो राजस्थानी कड़ी है ये हल्की सी स्वीट है. दाल इज यमी. ओवरऑल जस्ट लव्ड इट. ओह आई फॉरगॉट अबाउट दिस आलू प्याज, दिस इज ऑल्सो वेरी यमी. इसमें यूज़ किया गया है ढेर सारा ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, अनियन और आलू को बहुत अच्छे से पकाया गया है. आलू की एक मस्त ऐसी स्वीटनेस आ रही है. जस्ट अभी चावल भी आ गए. आई हैव ईटन मोस्ट ऑफ माई थाली और अभी यहाँ पे आ गई है जलेबी, एकदम छोटी छोटी. सो क्रिस्पी, टू गुड.
this was the delicious Rajasthani thali that we had. It was so yummy. मैंने बहुत जगह पर राजस्थानी थाली खाई है, but this was one of the best thali experiences I've had ever. Because of the ambience, because of the hospitality, oh my god, वहाँ पर जो staff था they were so warm. थाली खाने के बाद हम और भी थोड़ा explore कर रहे हैं. I told you a lot of activities are there, shows होते रहते हैं, traditional shows, वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी. Because I was also enjoying it, and if you want to enjoy, you come and enjoy. ये सब वीडियो में देख के आपको इतना मज़ा नहीं आएगा. यहाँ पे basically पूरा एक rural environment है. Proper ऐसा लग रहा है कि मैं किसी village में हूँ. Everything from the fragrance, cows, huts, food, even the people walking over here, उनका जो attire है उससे भी ऐसा ही लग रहा है. यहाँ पे गौशाला है, ये देखिए. So there are lots of cows over here. Yes. शॉपिंग कर सकते हो आप, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. मैंने सुना था यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आज उतनी भीड़ नहीं है. आज एक्चुअली क्या है, आज ट्यूसडे है, इतनी भीड़ भी नहीं है. बट वी हैड सो मच फन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द होल ऑफ जयपुर फूड सीरीज. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय.